रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम बहुत ही रिवायती सी डिश बना रहे हैं जो हर घर में दो तीन दिन में लाजमी पकती है। आलू गोश्त बनाएंगे हम, मटन का, बहुत मज़े का लगता है, पंजाब के लोगों की बहुत फेवरेट डिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए, एक कप ऑयल में पैन में ऐड कर रही हूँ। एक बड़े साइज की प्याज है जो मैंने रफली चॉप कर ली है। इसको हम हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, गोश्त के साथ खुद ही गल जाएगी ये। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अभी देखिए, 1 किलो मैंने मटन लिया है, इसको ऐड कर रही हूँ। इसको आप चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे से खाएं, बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए, गोश्त हमारा तल गया है। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसको भी थोड़ा सा तल लेंगे। बहुत ही लाइट डिश होती है, बहुत मज़े की लगती है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड करी है और 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। मेरे चैनल पे जो नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। हमने थोड़ा सा तल लिया गोश्त के मसालों को अच्छे से। अब इसमें पानी ऐड करूंगी मैं, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी अब। और इसको हम 25 से 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे गलने के लिए लगा देंगे। थर्टी मिनट्स के बाद मैं चेक करूंगी इसको। देखिए, हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसको थोड़ा भून लेंगे, पानी भी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। ये देखिए, 3 टोमेटो हैं जिसको मैंने ब्लेंड कर लिए हैं, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। मीडियम साइज के हैं, बहुत बड़े भी नहीं है ना बहुत छोटे छोटे। साथ में हम आलू भी ऐड करे दे रहे हैं ताकि जो है ना दोनों चीज़ें साथ से साथ भुन भी जाएंगी और आलू भी थोड़े पक जाएंगे। थोड़ी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ इसमें, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसको अब हम पानी डालेंगे इसके अंदर हमारा, देखें, और इसको दम पे लगा देंगे 7 to 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हो आलू गल गए। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बड़े ही मज़े का लगता है। देखिए, आलू हमारे हो चुके हैं, ऑयल देखिए ऊपर आ गया, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऐड किया है इसके अंदर गार्निशिंग के लिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत मज़े का लगता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, और ना बहुत पतला शोरबा है ना बहुत थिक है। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।